गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हम समुदाय का अर्थ, परिभाषा और समुदाय के हमारे संसाधन है, यानी सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो हम समुदाय जिस प्रकार के सामुदायिक संसाधनों को पढ़ते हैं, जैसे ऐतिहासिक भौगोलिक संग्रहालय, इनके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम ये जो हमारे सामुदायिक संसाधन है, इन सामुदायिक संसाधनों का व्यक्ति के विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है, उस महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो हमारे सामुदायिक संसाधन है इनका क्या महत्व है। सबसे पहले
है, यानी समुदाय में प्रत्येक क्रिया के लिए अवसर प्राप्त होता है। यह क्रिया अतीत से जुड़ी हो या वर्तमान से जुड़ी हो सकती है, यानी समुदाय में जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों को जानने का, उनको समझने का, उनको देखने का अवसर मिलते हैं। अब वो क्रियाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब ये जो क्रियाएं है, ये वर्तमान जीवन से भी जुड़ी हो सकती है और अतीत के जीवन से भी जुड़ी हो सकती है। तो यानी समुदाय संसाधनों के माध्यम से जो क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों को अवसर मिलता है। चाहे वर्तमान को ले लो या फिर अतीत को ले लो। इसीलिए
स्थापना करते हैं और समुदाय भी उनके कार्यों का संचालन भी करते हैं। इस प्रकार राज्यों में जो शैक्षिक कार्य जो होते हैं उनमें सहायता करते हैं। इसमें शैक्षिक कार्य है, शैक्षिक कार्य, इन शैक्षिक कार्यों में सहायता करते हैं विद्यालय, चाहे सरकार द्वारा स्थापित हो या फिर समुदाय। समुदाय में कुछ विषय विशेषज्ञ होते हैं जो कि पाठ्य वस्तु से संबंधित
इनके व्याख्यान कराने चाहिए, इनके साथ साथ चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि बालकों के ज्ञान में वृद्धि होगी। उसके बाद
सामुदायिक, संसाधन, समझाएंगे। सामुदायिक संसाधनों का महत्व बताते हुए इसकी उपयोगिता समझाएंगे। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी अत्यधिक फैल रही है तथा यह बीमारी हमारी जो नातानियां है ना समझिए इसके कारण फैल रही है, इसलिए इससे बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, साबुन से धोना, समय समय पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इस प्रकार के छोटे छोटे उपायों तथा सावधानियों द्वारा हम इस कोरोना जैसे खतरनाक महामारी से लड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे।